हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ शोले से जुड़े 10 अनसुने फैक्ट। अबे जल्दी बोल। पूरी फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर के बीच स्थित पहाड़ियों से घिरे रामनगर में हुई थी। दक्षिण का रामनगर को डकैतों के आतंक से पीड़ित उत्तर भारत का एक गाँव रामगढ़ की शक्ल दी गई है। यह लगभग 2 साल से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग हुई है। निर्माताओं ने रामगढ़ के रूप में एक पूरे गांव को बसाया। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वैसे ये गांव शोले से पहले भी था, लेकिन शोले के बाद ही लोगों के बीच इस गांव की पहचान हुई। बाद के कुछ सालों में ये पर्यटकों आकर्षण का केंद्र भी बना। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, लोगों ने रामनगर के एक हिस्से को सिप्पी नगर का नाम देकर निर्माताओं का आभार जताया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब शोले फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तब प्रोडक्शन टीम ने गांव उजाड़ दिया था। मुंबई लौटते वक्त GP चिप्पी चाहते थे कि रामगढ़ गांव बसने के लिए जो कीमती सामान खरीदा गया था उसे स्थानीय सेठ PV नागराज को 1 लाख रुपए में बेच दिया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिरकार गाँव के निर्माण में इस्तेमाल सारा सामान बांट दिया गया, कुछ सामान नीलाम कर दिया गया और काफ़ी सारा सामान फिल्म यूनिटी के साथ काम कर रहे मजदूरों को दे दिया गया था। 1975 में शोले जब रिलीज हुई तो उसे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। समीक्षाओं ने फिल्म को लेकर बहुत ख़राब रिव्यू दिया। रमेश सिप्पी के शोले की स्क्रिप्ट मंजूर करने से पहले इसे फिल्म कलाकार रिजेक्ट कर चुके थे। पहले सलीम जावेद ने इसकी 4 लाइन की स्निपेट क्रिएट की थी। शोले के बाद ही स्क्रिप्ट राइटर को बॉलीवुड में अच्छी फीस और सम्मान मिलना शुरू हुआ। शोले देश भर में कम से कम 100 सिनेमाघरों में 25 हफ्ते तक लगी रहती थी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म के डायलॉग कितने आदमी थे को परफेक्ट बनाने के लिए डायरेक्टर ने 40 रीटेक लिए थे। ठाकुर का किरदार पहले रिटायर आर्मी अफसर का था, लेकिन परमिशन में बहुत तेज हो रहा है। मुश्किल से बचने के लिए इसे रिटायर पुलिस ऑफिसर का किया गया। शोले को 2005 में पिछले 50 साल की बेस्ट फिल्म घोषित किया गया था। दोस्तों, वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दें। ये थे आज के 10 फैक्ट शोले से जुड़े, और आगे भी आपको फैक्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 50 लाइक करवा समझ रहे हो। जय हिंद दोस्तों।